आजादारी में जो नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, इसका नुकसान कितना बड़ा होगा हम सोच नहीं सकते। सदियां गुजर गई, हमारे बुजुर्गों ने आजादारी का जो सिलसिला कायम किया था उसमें आगे आगे आलम मुबारक, तो आलम की शक्ल यह होती थी कि एक परचम होता था, एक पंजा होता था, एक पटका होता था, और उसमें खुशबू के लिए एक हार आविष्कार कर दिया जाता था, और लोग उस परचम को शान के साथ आगे आगे लेके चलते थे, और जो जो आजादार आता था उस परचम को देखता था, जियारत करता था। सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, मगर आज जैसे शीयत तकसीम हो रही है, जैसे मुसलमान तकसीम हो रहे हैं, वैसे वैसे तबर्रुकात भी तकसीम होते जा रहे हैं। अब आप जाइए और देखिए तो ये आलम जिसे हमारे बुजुर्गों ने शान और शौकत के साथ हमारे हवाले किया था, इसकी भी नई नई शक्लें बनाई जा रही हैं। ये ताबूत जिसे देखकर हमें यह एहसास होता था जनाजा न उठ सका तो ताबूत उठ रहा है, और इसे देखकर हमारी आंखों में आंसू आते थे, मगर आज शबी है ताबूत की शक्ल क्या है। अजीजों, मैं जुमला कहने में मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है, अब जो शबीहें बनाई जा रही हैं वो देखने के बजाय उन पर से नजरें फेर लेने का दिल चाहता है। मुमकिन है कोई कहे मुझे गुस्ताख, तो मैं इस गुस्ताखी का इल्जाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, मगर पहले सुनिए कब वाकई इन शबीहों को देखकर मुंह फेर लेना चाहिए या नहीं। अभी हाल में एक शबीह निकली है जिस शबीह के अंदर एक जवान लेटा हुआ है, और वो जवान पूरे लिबास को पहने हुए और फकत कुर्ता पायजामा या कपड़ा नहीं पहने हैं, बल्कि उसके पैरों में जूता भी है। जूता पहनकर वो शबीह में लेटा हुआ है और सब लोग उसकी जियारत कर रहे हैं। आप बताइए इन शबीहों को देखने के बाद हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे या बहते हुए आंसू खुश्क हो जाएंगे। याद रखिए, सभी हैं रोने के लिए है, बहते हुए आंसुओं को खुश करने के लिए नहीं है। अकल से काम लीजिए, शऊर से काम लीजिए, आजादारी को आजादारी रहने दीजिए, नई नई चीजें उसमें पैदा ना कीजिए। और मैं इस सिलसिले में बस एक बात और अर्ज कर दूं, याद रखिएगा, ये ना कहा कीजिए कि सब लोग तो करते हैं, आप सबके जिम्मेदार नहीं है, आप फकत अपने जिम्मेदार है। ये कभी ना सोचिए सब क्या कर रहे हैं, आप अपने गरेबान में झांक के देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा फरीजा क्या है। कितनी बातें मैं आपके सामने अर्ज करूं, कितनी बातें अर्ज करूं, आप सोच सकते हैं तमाशा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। आलम मुबारक चल रहा है, कल तक आलम मुबारक पे सेहरा चढ़ाया जाता था, अब जो लड़का आलम को लेकर चल रहा है उस लड़के के सर पर भी सेहरा बना हुआ है। आप गौर कीजिए, आप फिक्र कीजिए, आप सोचिए, क्या ये बातें शायाने शान है आजादारी के, क्या ये बातें काबिले कबूल है। मुमकिन है किसी की नजर में हुरमत का सबब ना हो ये बातें, मगर मैं इसे दुरुस्त नहीं मानता। सिर्फ एक बात, बुजुर्गों ने जो तरीके अजा ईजाद करके हमारे हवाले किया है उसे आप बुजुर्गों की शायाने शान मीरा समझते हुए अपने कलेजे से लगा के रखिए, इसे न खुद मिटाइए न दूसरों को मिटाने दीजिए। अजादारी को अजा बनाइए, रूह अजा को बाकी रखिए, इसलिए कि इन मजालिस का हदफ मकसद गम मनाना है, गम को मिटाना नहीं है, गम को मिटाना नहीं है। आज शबे शहादत, हुजूर की शबे शहादत, सरकारे हसन मुश्तबा की शबे शहादत, दो शहादतों के मौके पर मैंने ये मैसेज और ये पैगाम दिया। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।